गुड आटो एरीवान हाई अमृतन सिंह कैसे हो आई होप काफी अच्छे हो गए एंड लाइक फाइनली आईबीपीएस पी ओ का एग्जाम खत्म हो ही चुका है मोर uh, इम्पोर्टेंटली बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई uh, टेस्ट बुक की मॉक का जो लेवल है आईबीपीएस पीओ का वो काफी ज्यादा उसने मैथ्स में हार्ड कर दिया आप अभी पेपर देखा रहो. फर्स्ट शिफ्ट वाले तो स्वाद चख चुके हैं. सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था भाई मेरे को ऐसा लगा कि पेपर काफी ज्यादा मॉडरेट सेटअप कर रहा था मॉडरेट के साथ साथ उसने कैलकुलेटिव भी रखा लेंदी भी रखा ओवरऑल मैथ्स का सेक्शन मुझे लगा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों में ऑलमोस्ट सेम आया होगा फर्स्ट का मुझे आइडिया नहीं कोई मेरा पेपर था नहीं मैं खुद सेकंड का देख के आया हूं तो मैं बताऊंगा भाई कि क्या पूछा गया क्या क्या क्वेश्चन आए थे ताकि कल जिनका पेपर है वो लोग क्या कर सकते हैं आज के दिन में काफी ताकि उनको कल हेल्प हो जाए तो वीडियो पूरा देखना यदि लगे कि हाँ भैया एकदम एग्जैक्ट एक एकदम एक एग्जैक्ट्रमलिस बताया हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि कैसा है अपन ना अड्डा वड्डा के सामान एसी रूम में बैठ के किसी और का सुन के नहीं बोलते वो मसाले नमक लगा के पसंद आते ही चलो उनके गुड़ टेम देख लो सालों के हैं चलो कोई नहीं फिर लोग बोलते गाली मत बाका करो अब साल ऐसी हरकतें ऐसी करते अड्डा वड्डा वाले तो क्या बोलू मैं इनको खैर कोई नहीं मेरा पेपर था अभी सेकंड शिफ्ट में साढ़े बजे रिपोर्टिंग टाइम था पवई मेरा एग्जाम था मेरे अटेम्प्ट ज्यादा हुए नहीं भाई सिक्सटी थ्री ही हुए और मेरा इंग्लिश में ट्वेंटी वन हुए है मैथ्स में ट्वेंटी ही बना पाया हूं और रीजनिंग में ट्वेंटी टू बना के आया हूं ओवरऑल सिक्सटी थ्री अटेम्प्टे मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही भैया पेपर निकल जाएगा फीलिंग मुझे अंदर से आ रही है ऐसे ही क्योंकि पेपर मैं देख के आया हूं भैया ठीक है भाई ओवरऑल प्रीवियस ईयर से कट ऑफ भी देख लो और जो अक्यूरे को लग रहा है कि हाँ एक हाथ दो तीन क्वेश्चन गलत हो गए उस गलत हो गए होगी बाकी नॉर्मलाइजेशन भी हर शिफ्ट में होगा हो ही होगा कुछ ना कुछ कम ज्यादा हो गई होगा तो लग रहा है फीलिंग आ रही है निकल सकता है बाकी आप लोग पता ना कि आपका कितना अटेम्प्ट हुआ है आपकी शिफ्ट में और कित, आपको पेपर कैसा लगा स्पेशली मैथ्स का सेक्शन सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन था इंग्लिश एक ऐसा था कि आपको एक आरसी दिया हुआ था नौ क्वेश्चन उस पर थे बेसिकली वो आरसी ऐसा था कि जिसपे दिया हुआ था कि एक आदमी जो न्यूट्रल है उसका कोई वो नहीं है क्या बोलते ना कि ना तो वो किसी को फेवर में बोलता ना किसी के अगेंस्ट में बोलता उसको लोग क्या समझते ऐसा कुछ था सी। तो उस उसमें मुझे पोजिशन पे मैंने रैंक मार्क करा शायद से मेरे को याद नहीं उसमें ऑप्शन थे स्टांस था डेजिग्नेशन मतलब कुछ रैंक वगैरह था तो मैंने रैंक मार्क किया है आप लोग बताना कि उसका आंसर क्या है बाकी तीन क्वेश्चन मैच कॉलम के थे तीन क्वेश्चन आपके वर्ड गलत कौन सा है उसके थे दो क्वेश्चन आपके थे आ, उसके ऊपर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के ऊपर पांच क्वेश्चन थे आपके पैराजाम्बल मेरा पैराजाम्बल जो सीक्वेंस था वो था आ, सी सी के बाद शायद मेरा ए था क्योंकि वो बोल रहा था कि दो अलग अलग आ, सी के बाद ई था ई के बाद दो अलग अलग थेरेपी थी तो मेरा पता नहीं मेरे को ये याद है कि मेरा सी से स्टार्ट हुआ था शायद सेंटेंस अब मुझे एकता याद नहीं कि भाई मैंने क्या बना के आया हूं बट हाँ पैराम्बल आप लोग बताना कि क्या था उसके बाद तीन क्वेश्चन फिलर्स के ऊपर थे तीन क्वेश्चन आपके एरर डिटेक्टिंग के ऊपर थे ऐसे ओरल थर्टी क्वेश्चन थे इंग्लिश वॉज डूएबल इंग्लिश में बोलूंगा कि भैया हार्ड नहीं था उसके बाद मैथ सेक्शन मतलब <laughs> क्या बोलो छोड़ जान दो फिर वो आप लोग बोलोगे भाई इसी गाली गाली बतबका करो या तुम फिर सोचते हो कि भैया भैया भाई पी के बैठा हो वो इसलिए गाली बकता ऐसा कुछ नहीं है Uh, छे क्वेश्चन कॉड्रेटिक पांच क्वेश्चन अप्रोक्स के थे ग्यारह क्वेश्चन बहुत इजीली डुएबल थे उसके बाद जो मेन था वो था आरसी का क्वेश्चन सॉरी uh, 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 अपना वाला था uh, क्या बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन उसके दो सेट्स थे एक तो आपका था फ्लोर राइस पल्सेस और सॉल्ट के ऊपर पी और क्यू का डेटा था वो जो था अपना डीआई वो काफी इजी था उसमें कोई ऐसा हार्ड नहीं था थोड़ा कैलकुलेटिव था मगर डुएबल था एक आपका वो था केसलेट डीआई था केसलेट डीआई में क्या पूछा गया था ए, बी, सी तीन अलग अलग कंपनियां हैं, वो कॉपर और स्टील वाले पाइप को दे रही है तो वो भी डुएबल था क्योंकि वहां पे बी का डेटा दिया हुआ था 510 और जो था कि स्टील जो है वो 30 ज्यादा है बी में कॉपर से तो उसी से डेटा पूरा फाइंड हो गया था और वो डुएबल अपना केसलेट था उसके बाद जो एक और था कि केक का था वेनिला चॉकलेट वो थोड़ा मुझे ट्रिकी लगा तो मैं इसे मैंने नहीं किया अटैम्प्ट उसके बाद मैंने एक केस उसका क्वेश्चन किया अरिथमेटिक का याद नहीं मेरे टोटल बीस क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए उसके बाद रीजनिंग वॉज डुएबल बट क्वाइट लेंथी रीजनिंग में क्या पूछा हुआ था भैया एक तो था पांच लोग हैं पांच अलग अलग चीजों को पसंद खरीद रहे हैं ओकेजन है दिवाली पे रग ब्राइन कुछ ऐसे और उनका कुछ ऑर्डर रैंकिंग वाली मैं बोल सकता हूं पजल थीअरी वो पांच क्वेश्चन थे उसके ऊपर पांच क्वेश्चन थे फोर्टीन पर्सन सिटिंग पैरलर मतलब सात नॉर्थ को फेस कर रहे एबीसीडी ई एफ जी और सात साउथ को फेस कर रहे हैं वो दिखने में लेंदी थी बट बहुत डुएबल थी मतलब दो आप पॉसिबिलिटी से खेलोगे आपकी लास्ट में कड़े आएगी फिर एक थी सिक्स परसेंट थ्री फ्लोर ए इज इन वेस्ट ऑफ बी कलर्स दिए थे लोगों को लगा भाई बड़ी है छोड़ दो बट वो लास्ट में जाके केस, एक पॉसिबिलिटी कैंसिल थी और एक था अनसर्टेन पजल मैंने नहीं कर पाया अटैम्प टाइम नहीं था एक था एफ जी e, तीन कंट्री चाइना ऑस्ट्रेलिया वो दिखने बहुत ईजी थी मगर वो बहुत ट्रिकी वाली आ, प, वो थी पजल अपनी मैंने हाथ लगाया नहीं तीन डायरेक्शन के क्वेश्चन तीन सिलोजिज्म के क्वेश्चन तीन इनइक्वालिटी के क्वेश्चन और एक आपका उसका था क्या बोलते एक वर्ड दिया हुआ था पेयर में पे फॉर्म करना था मेरा उसमें सिर्फ एक ही पेयर निकला आप बताना मेरा सही है या गलत तो ओवरऑल रीजनिंग में, में मेरी शिफ्ट में अराउंड अराउंड पांच दस पंद्रह पंद्रह तीन अठारह अठारह तीन इक्कीस चौबीस मार्क की मेरी शिफ्ट में पजल थी तो पजल जब इतनी ज्यादा होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि टाइम आपको लेगी उसमें उस शिफ्ट में रीजनिंग शिफ में अटेम्प्ट भी कम होगी क्योंकि पजल में लोग फंस भी जाते हैं तो मेरा काम हुआ मेरे सिर्फ 22 क्वेश्चन हुए बाकी यही रिव्यू था एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो मैं कल शाम तक लेके आऊंगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं एक पोल कंडक्ट कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर अपनी सेकंड सेकंड शिफ्ट का तो जो लोग सेकेंड शिफ्ट में हो गए वही पार्टिसिपेट करके तो काफी अच्छा रहेगा बाकी यदि वीडियो सही लगे एग्जैक्ट एक्यूरेसी से पूरा एक्यूरेट एनालिसिस दिया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बाकी मिलते हैं तो जय श्री राम राम राम